गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको SEO की फुल फॉर्म बताई थी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से ही पता चल रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम अपनी वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज, चाहे वो ई कॉमर्स है चाहे ब्लॉग है, उसको हम जब सर्च इंजन के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। गूगल के कुछ ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट पे वर्क करते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप में से कितने लोग हैं जो गूगल को एज अ सर्च इंजन प्रेफर करते हैं या कितने लोग हैं जो अदर सर्च इंजन को प्रेफर करते हैं? क्योंकि अपनी अपनी लाइकिंग है, बट मैक्सिमम आंसर होंगे कि लोग गूगल को ही प्रेफर करते हैं। तो बेसिकली हम अपनी वेबसाइट को भी गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, गूगल में जब आप कुछ भी टॉपिक सर्च करते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे कोई टॉपिक हो, चाहे कुछ भी आप सर्च करते हैं, लाइक चाहे कोई रेसिपी ही आप सर्च करते हैं, तो गूगल में टॉप 10 में कुछ वेबसाइट सिखाता है और आप बेसिकली टॉप 10 वाली वेबसाइट ही प्रेफर करते हो। बहुत रेयर लोग होंगे जो सेकंड पेज पे जाते हैं। तो अब वो फर्स्ट पेज पे कैसे लाना है, मतलब हम ऑप्टिमाइज करेंगे अपनी वेबसाइट को कि गूगल हमें टॉप 10 में दिखाए। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैं हर चीज आपको बताऊंगी विद प्रैक्टिकल, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं। इवन इसमें भी आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया होगा, तो मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपने क्वेरीज कि मैम हमें प्रैक्टिकली बताइए कि गूगल में कैसे सर्च करते हैं और कैसे शो करता है टॉप 10 में, तो वो भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना सकती हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि और लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं सीखे, तो आप मेरी वीडियोस लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।